गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हितेन मोदी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। टुडे स्टेट के अंदर मैं चैप्टर नंबर 4 डिस्पर्सन के बारे में डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 4 डिस्पर्सन का हमारा ये सबसे पहला पार्ट 1 है, जिसके अंदर मैं आपको इलस्ट्रेशन 4-5 से समझाने का स्टार्ट कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 5 के अंदर हमें कहा गया है फाइंड क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, और जिसके लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्स इज इक्वल टू 19, 25, 35, 10, 24, 8, 12, 5, 20 and 30. अब क्वार्टाइल डिवीजन सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन CQD ढूंढने के लिए हमें Q3 एंड Q1 फाइंड करना होगा, यानी कि क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फाइंड करना होगा। क्वार्टाइल के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ता है, यानी डबल ए को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये डबल ए ओ। सर इसका मतलब क्या है डबल ए का? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में मुझे इसको अरेंज करना है 5, 8, 10, 12, 20 के पहले 19 आ रहा है, 19, 10, 20, 24, 25, 30 and 35। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। सो 10 ऑब्जर्वेशन को मैंने अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, 5, 8, 10, 12, 19, 20, 24, 25, 30 and 35। अब हमें करना है क्वार्टाइल डिवीजन 1 Q1 फाइंड करना है बच्चों। Q1 हमें फाइंड करना है Q1 एंड Q1 की फॉर्मूला है N+1/4th ऑब्जर्वेशन, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो 10+1/4th ऑब्जर्वेशन, 11/4th ऑब्जर्वेशन। सो Q1 का आंसर हमारा आएगा 11/4, कैलकुलेटर में आप कीजिए। सो 11/4 का आंसर आ जाएगा आपका 2.75th ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ 2.75 मतलब सर कौन सा ऑब्जर्वेशन? मतलब Q1 = 2nd ऑब्जर्वेशन प्लस 2.75 और माइनस 2nd ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है हमारा बच्चों 8 प्लस 2.75, थर्ड ऑब्जर्वेशन है 10, सो 10 minus 8, 8 plus 0.75, 10 minus 8, 2, 8 plus 0.75 into 2, 1.5, that is a 9.5 आ गया।
Answer student. Now the third quartile is equal to 3 n plus 1 divided by fourth observation 3 n is equal to 11 plus 1 divided by 4 10 क्योंकि observation 10 है बच्चों ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 observation है. Now Q3 is equal to 3, 10 plus 1, 11 by 4 observation. So Q3 is equal to 3, 11 by 4 yani 2.7 fifth observation and is equal to with 3 multiplied by bachcho aap 2.75 karenge. So answer aayega 8.25 observation. 8.25. Ab isse hum kya karenge student? 8 observation plus 0.25 और इनके बाद आता है 9 minus 8 observation. So Q3 is equal to 8 observation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 observation and 9 observation. So 8 observation at 25 plus 0.25, 9th observation at 30 or you get 20. So Q3 is equal to 25 plus 0.25, 30 minus 25 and 5. So Q3 is equal to 25 plus 5 into 5, 1.25, yani 26.25 answer aayega Q3 ka. 26.25 जो हमारा Q3 का आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन था फाइंड क्यूरी, क्यूरी यानी कि क्वार्टर डिवीजन हमें फाइंड करना है. सो क्यूरी क्वार्टर डिवीजन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. सो क्यूरी इज इक्वल टू Q3 का आंसर है 26.25 माइनस Q1 का आंसर है 9.5 एंड डिवाइड बाय. So Q3 is equal to 26.25 minus 9.5 and divide by आप 2 कीजिए तो Q3 का आंसर आएगा 8.38. Now coefficient of quartile deviation symbolically CQ is equal to Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. Therefore CQ is equal to Q3 यानी 26.25 minus 9.5 divided by 26.25 plus 9.5. तो अपने कैलकुलेटर में आप इसे माइनस और प्लस कीजिए तो माइनस का आंसर आ रहा है 16.75 एंड इन दोनों का प्लस कीजिए 35.75. नाउ 16.75 डिवाइड बाय 35.75 0.4685 अनग्रुप डेटा के लिए अगर हमें क्यूडी एंड सिक्यूडी किस तरह से करना है तो उसके बारे में मैंने समझाया. अनग्रुप डेटा होता है ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा में आता है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. तो मैं अभी एक कंटिन्यूस के बारे में इलस्ट्रेशन 7 के बारे में अभी आपको समझाऊंगा. क्वार्टर Q1 एंड Q3 क्वार्टर डिवीजन और कोएफिशिएंट क्वार्टर डिवीजन इन हमें Q1 और Q3 जो मैंने लेसन 3 में आपको ऑलरेडी सिखा दिया है. आप शायद यहां पर आपको उसका रिवीजन लगे लेकिन ढूंढना क्या होता है क्वार्टर डिवीजन एंड कोएफिशिएंट क्वार्टर डिवीजन. तो जब क्लास दिया हो कंटिन्यूस हो तो किस तरह से हमें करना है तो इसके लिए मैं इलस्ट्रेशन 7 लेके आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं. 7 लेके आप समझा रहे हैं. स्टूडेंट्स नाउ इलस्ट्रेशन 7 जिसके अंदर भी आपको कहा गया है पेज नंबर 131 पर क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन हमें फाइंड करने का कहा गया है. जिसके अंदर बच्चों सबसे पहले जो मैं लिखूंगा
जो है हमारा क्लास और लेस देन 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, 130 to 150 and more than 150. Okay, now frequency आपका M 54, 100, 140, 300, 230, 125 and 50. आपको cumulative frequency CF ढूंढना है. 54 का 54 plus 100 154 प्लस 114 4 5 9 1 plus 1 2 इन दोनों का टोटल 594 4 8 2 4 8 9 और 1000 और इसका टोटल करेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 1000 इस तरीके से. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें CF ढूंढना होता है. नाउ अब हमें क्वार्टाइल डिवीजन वन क्यू वन फाइंड करना है. क्यू वन इज इक्वल टू एन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन इन सी एफ देयरफॉर क्यू वन इज इक्वल टू एन यानी 1000 बाय फोर यानी 250 ऑब्जर्वेशन इन सी एफ. अब सी एफ के अंदर हम देख रहे हैं कि 250 उससे ज्यादा तो इससे ज्यादा आएगा हमारा ये वाला क्लास. ये हो जाएगा हमारा सी एफ और ये फ्रीक्वेंसी एफ. सो क्यू वन क्लास इज इक्वल टू 70 to 90. नाउ क्यू वन की मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला. क्यू वन इज इक्वल टू एल प्लस n by 4 minus cf upon f into c. अब सिंपल इसके अंदर वैल्यू डाउन कर देते हैं बच्चों. l l की जगह पर ये जो है 70 प्लस n by 4 का आंसर है 250 माइनस cf का आंसर है 154 डिवाइडेड बाय f का आंसर है 140 एंड इन टू सी क्लास लेंथ. तो 70 to 90 की क्लास लेंथ है 20. नाउ क्यू वन इज इक्वल टू 70 प्लस 254 माइनस 250 माइनस 154 तो आंसर आपका जो आता है और इसे मल्टीप्लाई बाय आंसर को हम 20 करेंगे तो आंसर आ रहा है 1920 डिवाइडेड बाय 140 70 प्लस 1920 डिवाइड बाय 140 13.7143 और दोनों का टोटल कर देते हैं तो Q1 इज इक्वल टू 83.7143 थर्ड इज इन 4 है यानी कि 83.71 Q1 का आंसर आ जाएगा बच्चों. लाइक से वे Q3 इज इक्वल टू 3 एंड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन इन सी एफ देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू 3 एंड की जगह पे 1000 डिवाइड बाय 4 करके देखो तो 75th ऑब्जर्वेशन इन सी एफ. तो सी एफ के अंदर 750 या उससे ज्यादा बड़ा देखते हैं तो ये 824 में आएगा. इसे सर्कल बना देते हैं. ये हमारा सी एफ ये है. अब हमारा Q3 क्लास हो गया 110 to 130. Q3 का फॉर्मूला L प्लस
3 n by 4 minus EF upon F into C. वैल्यू पुट आउट कर देते हैं 110 एम की जगह पर प्लस 3n by 4 की जगह पर 750 माइनस CF 594 डिवाइडेड बाय S 230 n into क्लास रैंक 20. सो देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू n की जगह पर 110 प्लस 3n by 4 की जो आंसर 750 माइनस 594 कीजिए एंड मल्टीप्लाई बाय आप 20 कीजिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है कैलकुलेटर के अंदर. 750 माइनस 594 इंटू 20 3120 डिवाइड बाय 230 कर दीजिए इज इक्वल टू ये जो है 110 प्लस 3120 डिवाइड बाय 230 कैलकुलेटर में आप कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 13.5625. इन दोनों का टोटल कर देते हैं 123.5625 यानी फाइनल आंसर 123.56. कभी थर्ड डिजिट 2 है तो आगे इंक्रीज होगा नहीं. ठीक है 5652 अगर थर्ड डिजिट 5 है 5652 थर्ड डिजिट 5 है आगे इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 57. ओके अब हमें क्या करना है क्वार्टर डिवीजन क्यूडी करना है. तो क्वार्टर डिवीजन क्यूडी की फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. क्वार्टर डिवीजन क्यूडी इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. Q3 का आंसर है 123.57 माइनस Q1 का आंसर है 83.71 डिवाइड बाय 2. तो दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका क्वार्टर डिवीजन क्यूडी आ जाएगा 19.93. इसका फाइनल आंसर ना कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन सीक्यूडी की फॉर्मूला होती है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 यानी 123.57 माइनस 83.71 डिवाइडेड बाय 123.57 प्लस 83.71. ओके नाउ अब इसे डिवाइड करके देखते हैं 0.1923 यानी 0.19 क्वार्टाइल डिवीजन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन सिक्योरिटी का आंसर आ गया. नाउ स्टूडेंट तो आज का हमारा पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 का हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और नेक्स्ट में इसके इसी लेसन के आगे के टॉपिक जो है स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें हम आपको आगे बढ़ाएंगे.